सुल्तानपुर में जिसको गोली लगी, जिसकी मौत हो गई, उसका नाम मंगेश यादव है और इसी घटना को आधार बनाकर आपके नेता ने ट्वीट किया है। साफ तौर पर लिखा है कि जात को देखकर मारा गया है। तो मैं आपसे सिर्फ यही पूछ रही हूं कि कौन सी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में जो सेफ हैं, जिन्हें संरक्षण प्राप्त है भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सरकार का, और कौन सी जातियां हैं जिन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? मैंने आपसे पूछा तो, मैंने तो नाम लेके बताया, जितेंद्र यादव की क्या गलती थी बताइए। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ और बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देके जाएंगे। पुष्पेंद्र यादव की क्या गलती थी? परिवार का परिवार बर्बाद हो गया, उसका जवाब देके जाइएगा। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से रौंदा गया किसानों को, रौंदने वाला कौन था, इसका जवाब देके जाइएगा। BHU में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कौन था अन्याय करने वाला, इसका जवाब देके जाइएगा। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, कौन लोग उसमें शामिल थे, इसका जवाब देके जाइएगा। चलिए, आपने सबसे पहले यादव का नाम लिया, आपके नेता ने भी यादव का नाम लिया। अनुराग भदौरिया जी, देखिए काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक हम अपराधियों को अपराधियों के चश्मे से देखा करते थे, लेकिन जब आप लोग जाति विशेष की बात करते हैं, अनुराग जी बस एक मिनट रुकिए, आप लोग जब जाति विशेष की बात करते हैं तो पूरा रिसर्च करना पड़ता है सर। एनकाउंटर अभी तक जो हुए हैं 2017 से लेकर, उन एनकाउंटर्स की पूरी लिस्ट निकालनी पड़ती है। और 2017 में सर मुझे जो दिखाई दे रहा है, दो यादवों का एनकाउंटर हुआ है, 2019 में 5 यादवों का एनकाउंटर हुआ है, 2020 में 26 कुल एनकाउंटर हुए हैं जिसमें से 1 यादव का एनकाउंटर हुआ है, 2021 की लिस्ट भी मेरे पास है सर, 2021 में 3 यादव का एनकाउंटर हुआ है, ये पूरी लिस्ट है। और 2023 की अगर बात करूं तो सिर्फ 1 यादव का एनकाउंटर हुआ है, कुल एनकाउंटर 12 है। बाकी मुझे इसमें नाम सुजीत सिंह का भी दिखाई पड़ रहा है, नितिन ठाकुर का भी दिखाई पड़ रहा है, सुनील शर्मा का भी दिखाई पड़ रहा है, सुमित गुर्जर का भी दिखाई पड़ रहा है जिनका एनकाउंटर हुआ है। बोलिए सर, बोलिए बोलिए अनुराग जी, मुझे कोई जाति नहीं दिख रही, सारे सारे सरने में पीछे। नहीं नहीं, शक तब होता है, सुन तो लीजिए, शक तब, सुन लीजिए, शक तब होता है जब 20 से 25 लड़के बारिश में लखनऊ के अंदर में भाई बहन मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उनके साथ बदतमीजी की। लेकिन विधानसभा में खड़े होके आप सिर्फ दो ही नाम गिनाएंगे, पवन यादव और मोहम्मद, और आपको नाम नहीं है उसमें याद आए क्या? फिर जब हमने पूछा आपने दो ही नाम क्यों लिए गए भाई विधानसभा के अंदर में, वहाँ तो 20-25 थे और हर 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 तरह के बच्चे थे, तो कहा नहीं दो इनका नाम पता चल पाया था तब तक। तो इसके मतलब आपकी पुलिस तो बहुत ही नकारा है भाई, ऐसी पुलिस का क्या काम है भाई जो दो तीन घंटे में दो ही नाम खोज पाती है, और वो भी सदन में खड़े होकर दो नाम बोले जाएंगे, तो फिर बाद बाकी नामों का क्या हुआ? तो शक शक नहीं, शक पैदा होता है, शक पैदा होना बड़ा लाजमी है अनुराग जी, और आप शक पैदा आपको हुआ मुख्यमंत्री के बयान से, बिल्कुल ठीक है, बार बार वही कह रहे हैं आप, लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है, मैं लाजमी की बात करूंगी ना सर, लेकिन मैं आंकड़ों की भी बात करूंगी ना, तभी तो सवाल उठ रहा है, आप तो बार बार कह रही है लाजमी है, लाजमी है, मेरे साथ खड़े हो, इस पर ये जो लिस्ट है मेरे पास अनुराग जी, इस पर भी तो जवाब देना लाजमी है ना, इस पर भी जवाब दीजिए ना, मैं बता रही हूँ ना आपको, 2017 की लिस्ट पर देती हूँ आपके सामने, गुरमीत, नौशाद, जय हिंद यादव, नितिन ठाकुर, सुजीत सिंह, सुनील शर्मा, आदेश यादव, सुमित गुर्जर, विकास सिंह, सोनू कुमार, इसमें कोई एक जाति हाईलाइट नहीं हो रही है, सारी जातियां हैं। बोलिए बोलिए, आप सुन लीजिए, वही तो मैंने आपसे बोला कि जब भाई बहन को छेड़ने में पुलिस दो ही नाम खोज पाई थी 20-25 में दो ही नाम लिया जा रहा है, फिर उनको क्या, उनके लिए क्या बोला जा रहा है? सद्भावना ट्रेन थोड़ी है, बुलेट ट्रेन चलेगी। सवाल है कि आप दो लोगों का नाम लेके किनको डराना चाहते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी डराने का काम करती है कि प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि समाज के अंदर में सुरक्षा प्रदान करने की, तो आप डराने का काम कर रहे हैं कि सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं? जनता पार्टी पर तो आप इतना सारा बोल रहे हैं, मेरी लिस्ट पर एक जवाब नहीं दे रहे हैं। शक पैदा होने से थोड़ी ना सियासत होती है अनुराग भदौरिया जी, आंकड़ों पर भी तो बात करिएगा ना, आप अपराधियों की जातियां गिनेंगे, आप अपराधियों की जातियां गिनेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा ना, अपराधियों की कोई जाति तो नहीं होती है। मैं जवाब ले लूं, मेरे अब रुकिए अनुराग जी, रुक जाइए, आप चूंकि बार बार इनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अब जवाब दीजिए, सुन लीजिए, दो सेकंड,
नहीं दो सेकंड, अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, दो सेकंड बोलिए बोलिए, दो सेकंड बोलिए बोलिए, ज्यादा नहीं। मैंने कहा जब खड़े होके ये बोला जाएगा बांटोगे तो कटोगे, तो बटोगे कटोगे तो मतलब क्या होता है? अनेकता में एकता को चैलेंज करना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान में अनेकता में एकता है, सभी जाति धर्म के लोग यहां रहते हैं, सद्भावना का देश है। फिर आप कहोगे लाल टोपी वाले बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, लाल टोपी वाले से डर किसको लगा? भाई लाल तो एक हमारे यहाँ का तो जो सुहाग का जोड़ा होता है वो भी लाल होता है, खून का रंग भी लाल है, यहाँ पे लाल तो शुभ माना जाता है। फिर सिंह पर भी सवाल खड़े करिए, शर्मा पर भी सवाल खड़े करिए, पांडे पर भी करिए, दुबे पर भी करिए, पासी पर भी करिए, सिर्फ यादव ही नजर आता है तो पूछा जाएगा ना कि ये जाति विशेष का नाम आप ही क्यों लेते हैं।